अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज आपको एक नए व्लॉग में लेके हैं जिसमें इमरान ख़ान साहब के वकील नईम हैदर पंचोता साहब मीडिया से बात कर रहे हैं। आज साइफर केस में जज साहब की छुट्टी पर होना और उस पे उसके बाद मुतबादल ड्यूटी जज का ना होना। हमने देखा कि कल जज साहब जो हैं वो स्पेशल रिमांड देने के लिए तशरीफ ले आए और आज जैसा कि पूरे हफ्ते से हम चला रहे हैं कि ये देखें बदनीति किस तरह से है कि वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन करती है उसके अंदर मेंशन नहीं है कि अगर ये जज अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके ड्यूटी जज होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने अपनी वकालत की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक अदालत मौजूद ना हो तो मुतबादल के तौर पर कोई ड्यूटी जज अवेलेबल ना हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जो ट्वीट किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, ये हिस्ट्री सिर्फ उनके साथ बनाई जा रही है। इंसाफ का ये कत्ल है कि किसी बंदे को फेयर ट्रायल ना देना, इंसाफ ना देना, जानबूझकर डिले करना, जानबूझकर उनकी जमानत ना सुनना और खान साहब को एक झूठे मुकदमे के अंदर जैसे आपको पता है कि गिरफ्तार किया गया और फिर जिस तरह से उनका रिमांड वो लिया गया जो कि पूरी कौम के सामने है जिसमें कोई कानूनी तरीकाकार फॉलो नहीं किया गया। हम इन शॉर्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से सदा करते हैं कि जाते जाते मजर चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर जो हमारी दरखास्त वहां पर पेंडिंग है उसके ऊपर समाप्त करें और ये जो गिरफ्तारी बेसिकली तोशाखाना केस के अंदर हुई वहां से लेकर उसके बाद साइफर और ये सारा मामला है इसके ऊपर खान साहब को फौरन प्रोडक्शन के ऑर्डर करते हुए उनको प्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट में और तमाम ऑर्डर गैर कानूनी डिक्लेयर किए जाएं और खान साहब की जो रिहाई है वो यकीनी बनाई जाए क्योंकि ये तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों के ऊपर बनाए गए हैं। तमाम मुकदमात में हर रोज खान साहब की बेल इसी बुनियाद के ऊपर कन्फर्म होती है कि कोई एविडेंस कोई शवाहिद नहीं।